गाइस आज हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं खाना खाता हूं, तो मैं की तो बच्चे इजी जान जाएंगे कि आई होती है, तो आई लगा लेंगे। नेक्स्ट मैंने देखा हम स्कूल जाते हैं, तो हम की भी वो लोग इजी लगा लेंगे, हो वी। बट बात यहां फंसती है, जैसे आ गया मैंने उसे पीटा था, मैंने उसे पीटा था, अब मैंने की क्या होगी, यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं। जैसे सेकंड है हमारा उसने मुझे पीटा था, तो उसने मुझे पीटा था, बच्चे कहेंगे सर उसने की इंग्लिश क्या होती है, तो उसने की इंग्लिश कुछ नहीं होती है। सेम हमारे पास ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट होते हैं आपके, साथ होते हैं। ओके, तो इन्हीं साथ में से आपको केवल इसी में नाचना होता है, और वो सात सब्जेक्ट ही बच्चे नहीं सीखते, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो सात सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वो हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। और नेक्स्ट आगे जैसे तुमने, तो बच्चे कहते हैं सर तुमने की स्पेलिंग क्या होती है, तुमने की मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट इसकी जगह क्या लिखे, तो तुमने हो या उसने हो या उन्होंने हो या मैंने हो, कोई भी हो, तो सबसे इन सब के लिए हमें केवल सेवन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और इन्हीं सात में से हमें पूरा नाचना होता है। साइड में मूव करते हैं और देखते हैं सेवन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और कहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं सेवन सब्जेक्ट की, तो हमारे पास केवल और केवल यही सेवन सब्जेक्ट होते हैं, और इन्हीं का यूज हमें केवल घुमा फिरा के करना होता है। सबसे पहले अगर हम बोलूं मैं, अगर एक खुद के लिए कोई बोल रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं है, और मैं ही केवल अगर मैंने लग गया तो उसका सब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसा बच्चे सोचते हैं बट ऐसा होता नहीं है। तो मैंने हो या मैं हूं, दोनों कंडीशन में क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। मैंने या फिर मैं, दोनों कंडीशन में आई लगेगा। सेकंड है हमारा हम, अगर यहाँ पे लिख जाता है हमने, तो बच्चे कहते हैं हमने का सब्जेक्ट क्या होता है, तो हमने हो या हम हो, तो बात होती है वी की, कि हमने मैच जीत लिया, तो हमने मैच जीत लिया मतलब हम ही ने तो जीता, हम लोगों ने, तो वहां पे हो जाएगा वी। ओके, तो मैंने के लिए आई और हमने के लिए क्या होगा, यू। नेक्स्ट अगर तुम आता है तो बच्चे लिखते हैं यू, अगर आता है तुमने, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तुमने, तो बच्चे भूल जाते हैं कि भाई तुमने एक नया वर्ड आ गया, इसके लिए सब्जेक्ट कोई अलग से आता है, तो इसके लिए सब्जेक्ट अलग से नहीं आता है, यू को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुमने लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही, ही होता है वह, मतलब सिंगलर लड़का है, तो वह हो गया। अगर हम बोले उसने, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के आ जाता है उसने, लड़के के लिए अगर उसने आ गया, तो बच्चे कहते हैं सर इसका इंग्लिश क्या होती है, तो इसकी इंग्लिश भी क्या होगी, ही होती है। नेक्स्ट है हमारा उसने, अगर मान लीजिए लड़की के लिए आ गया उसने, तो उसकी इंग्लिश भी क्या होती है, सी होती है। वह हो या फिर उसने हो, दोनों कंडीशन हम लोग क्या लगाते हैं, सी का ही यूज करते हैं। अब मान लो चीज है कोई नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, ईट का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे, दे का मतलब क्या होता है, वे। जब ज्यादा लोग हमसे दूर होते हैं तो हम लोग उधर क्या लगाते हैं, दे। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख के आता है उन्होंने, अब उन्होंने आ गया, तो बच्चे कहते हैं सर उन्होंने की इंग्लिश क्या होती है, तो उन्होंने की इंग्लिश होती है दे। उन्होंने मतलब ज्यादा लोगों ने, उन्होंने तो उन्होंने की क्या होगी, दे। उन्होंने मतलब दे। ओके, हमने वी, मैंने आई, तुमने यू, उसने ही और सी, इट डिपेंड ऑन द जेंडर। ओके, तो इस तरीके से आप इजिली केवल सेवन सब्जेक्ट की बात करके ही पूरी इंग्लिश बना सकते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट के लिए अब आपको दर दर की ठोकर खानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे सेवन सब्जेक्ट ही, सेवन से आपके 14 बन जाते हैं, और इन 14 से आपको इजिली इनसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने मतलब वी। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम स्टे होम स्टे सेफ।